ओ बिल्लू। नमस्ते मैडम। बेटी, ये पुलिस स्टेशन है या फिर बस अड्डा? मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ पापा, आप भी ना, ये पुलिस स्टेशन ही है। मैं दीपिका वाला लहंगा पहनूंगी। तो दीपिका क्या पहनेगी, जीन्स? हाँ भाई, लहंगे की लुटेरन क्या है? क्यों है तू? मैडम, मैं वो बदनसीब बाप हूँ जिसकी बेटी की डोली उठने से पहले ही समस्याओं का सुनामी आ गया, टेंशन का तूफान आ गया। मैं कंफ्यूज हूँ। ये कुर्सी ही है ना? नहीं, वो टेबल है, ये है कुर्सी। क्या पापा, आप भी ना? मैं श्रीदेवी वाली चूड़ी पहनूंगी। मैडम, मैं फिल्मी हूँ। सच? मैं भी बहुत फिल्मी हूँ, बहुत फिल्मी हूँ। तो इसी बात पे ये बताओ कि शोले फिल्म में गब्बर सिंह के डैडी का नाम क्या था? नहीं नहीं मैडम, मेरा नाम फिल्मी है, फिल्मी सक्सेना, और ये मेरे डैडी है शीनू सक्सेना। एक्चुअली मैडम, मेरे अगले हफ्ते 16 तारीख को शादी है, काजल वाली चुनरिया ओढूंगी। मैडम, हमने जो है लड़के वालों के कहने के मुताबिक खुराना मैरिज लॉन में शादी के डेट के मुताबिक हमने बुकिंग की थी। अब जब शादी से एक हफ्ता पहले हमने कैटरिंग के बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि भैया 16 तारीख को हमने किसी और को बुकिंग दे रखी है। मैं कंफ्यूज हूँ। बेटी, इस वक्त दिन ही है ना? नहीं, रात है, अमावस की। अरे हाँ पापा, आप भी ना, मैं सोनाक्षी वाली बिंदिया लगाऊंगी। वो बात ये है मैडम कि मेरे डैडी जैसे खुराना के पास गए ना, तो खुराना ने कहा, ए चल बाहर, आना मत आज के बाद इधर, जो चाहे कर लेना, चल। ऐसा मैं नहीं, वो खुराना ने कहा। शादियों के सीजन में यो ही टेंशन रहे हुए हमेशा। मैं सोच ही रही थी कि सीजन आ गया है, केस क्यों ना आया कोई अभी तक? आ गया जी। तो लाओ जी, खुराना ने धर के लाओ जरा चौकी में। ओके ओके, आइए आइए। बल्ले 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 बल्ले, फॉलो हिम। वेल मॉम, फिर से ये पापा। ले आए जी इनको। मैडम जी, हेलो जी, यानी कि जी मैडम जी नमस्ते, यानी कि जी मैं हूँ खुराना, चावल हूँ पुराना, यानी कि बुकिंग कंफर्म है जी। बुकिंग तो कंफर्म है, थारी जेल में। यानी कि जी आप कहना क्या चाह रहे हैं जी, यानी कि बुकिंग कंफर्म है? जी हाँ। यो जो बैठे हैं सज्जन पुरुष महानुभाव, इन्हें जरा गौर से देख, पहचानता तू इन्हें? जी इन्हें, जी इन्हें, हाँ जी पहचानता हूँ जी मैं। जे देखिए जी, यानी कि बात यह है कि ये जी आए थे जी हमारे मैरिज लॉन में, यानी कि जी अपनी बेटी, यानी कि उसकी शादी की बुकिंग कराने के लिए आए थे जी। जो बुकिंग तुमने किसी और को दे दी, आज सोमवार ही है ना? मैं कंफ्यूज हूँ। आज मंगल है बाबा। Well, तुमने की है इनके साथ धोखा घड़ी इज द हसीना, अगर वक्त है तो मैं हूँ घड़ी इज द। बहुत ही गलत बात है ये। एक बेचारा बाप अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा है, और जब वो केटरिंग की बुकिंग कराने के लिए गया तो उसे पता चला कि वो जगह किसी और ने लपक ली, जबकि
कि वो बेचारा एडवांस दे चुका था यार। नहीं जी देखिए जी मैडम जी, बात दरअसल ये है कि यानी कि जी जो कुछ भी हुआ है जी उसमें कसूर इनका है जी। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है जो ये गलती हुई है बुकिंग तुमने जो किसी और को दे दी, इसमें अंकल जी की गलती, तुम्हारी कोई ना। नहीं है जी, हमने कह दिया जी नहीं है मतलब नहीं है। मैं आपको खुल के बताता हुआ क्या जी। मैडम जी ये जो साहब जी हैं ये 6 महीने पहले आए थे मेरा मैरिज लोन जो है ना बुक कराने के जी, और 6 महीने पहले अपना एडवांस दे गए थे जी, यानी कि जी मैडम उसके बाद ये 6 महीने रहे गैब। अब ये शादी के 6 दिन पहले आए हैं केटरिंग फाइनल करने जी। आप बताइए मैडम जी, जो बंदा 6 महीने बाहर एकदम गैब रहा, तो मेरे को तो ये लगा कि इनकी जी शादी हो गई कैंसिल, तो मैडम जी मेरी जो ये बुकिंग है कहीं कैंसिल ना हो जाए, इस चक्कर में जी मैंने बुकिंग दूजी ले ली जी। आप बताइए मैडम जी, देखिए बात ऐसी है कि जी मैं बिजनेस मैन हूँ, मैं जी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ है, क्योंकि मैं हूँ खुराना चावल हूँ पुराना, बुकिंग कन्फर्म है। लेकिन मैडम कैटरिंग तो फाइनल शादी के 6 दिन पहले की जाती है ना। मैं कंफ्यूज हूँ। यही जो बात है ना जी, इनकी इसी ने सारा पौड़ा पाया जी, सारा स्यापा इसी चीज का है। देखिए जी मैडम जी, जब ये 6 महीने पहले बुकिंग कराने आए थे तो मैंने पैसे लेते वक्त पूछा जी अंकल जी है जी बुकिंग कंफर्म है, ये कहने लगे थे कि मैं कंफ्यूज हूँ। आप बताइए जी मैडम जी, 16 तारीख को शहर में 21,000 ब्याह है जी छाती है, अब एक आदमी कन्फ्यूज चल रहा है तो मैं क्या करता जी है, तो मैंने जी बुकिंग किसी और को दे दी है, बुकिंग कन्फर्म है बस। अब जो भी हो सब हुआ है, चाहे वो अंकल जी के कन्फ्यूजन की वजह से हुआ हो या तुम्हारी मक्कारी की वजह से हुआ हो, 16 तारीख की बुकिंग तुम अंकल जी को दे दो। देखो जी एक मिनट, मैं गल करनी चाहना है। गल ए है भाई, देखो भी थोनू ना एदे नाल एदा नहीं करना चाहिए। एक गरीब प्यो है, उहदी धी है, धीआं नाल सब दीआं सांझीआं हुंदीआं ना, शकल देखो ना बेचारे दी बलूंगड़े वर्गी शकल है, तरस खाओ इस ते। देखो जी दादा जी, तुसीं पुलिस वाले हैगे हो, पुलिस दा काम करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਉਧਰ, ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਸੋਰੀ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਦੇਖੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਲੋਨ, ਤੋਂ ਉਸੇ ਕੋ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਨਕੋ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਇਨਕਾ ਜੋ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਵੋ ਇਨਕੇ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਇਨਕੋ, ਹੈ ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। अब मैं जाता हूँ जी, मेरे लॉन में बड़ा काम है, यानी कि जी बाय बाय है जी बाय। मैडम अब क्या होगा, इस ग्लास में पानी ही है ना, मैं कंफ्यूज हूँ। अरे उसमें जहर था। क्या अंकल जी, अरे तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से कंफ्यूजन की वजह से रहता फैल गया ना। ये बताओ 16 तारीख को इतनी सारी शादियां हैं शहर में, कोई 21,000 कहां से होगी बुकिंग, कहां से लाएंगे वेन्यू। देखिए मैडम, लड़के वालों के डिमांड से ही मैंने अपने घर से 10 किलोमीटर दूर ये खुराना मैरिज लोन बुक किया था, जो लड़के वालों के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे थी। पता नहीं अब क्या होगा। होना क्या है, बात करेंगे लड़के वालों से, बुलवाओ जरा लड़के वालों ने, समझाओ उन्हें मैं ठीक से। ओके। हमार बनना हो मोटरसाइकिल चलावे, हमार बनना हो फटी फटिया चलावे, हमार बनना लंदन हमार बनना, लाखों को चूमे हमार बनना, हम मोटरसाइकिल चलावे। क्या है ये और ऐसे क्या घूर रहे हो बे? अबे ये आदत हमें इलाहाबाद की शादियों में नाच नाच के लगी है, समझे? काश कि मेरी दीदी भी कभी मेरे लिए ये गाना गाए जो ये आंटी गा रही है। काश कि कभी मैं भी दूल्हा बनूं। अरे तू उसमें क्या है, दूल्हा बनता रही हो, दीदी तो गाना गा लेगी आज। अरे फट फटिया चलावे, हमार बनना हम मोटरसाइकिल।
बटन से चलती है। तू अकेली अनोखी अम्मा हो रही है दुनिया में जिसका बेटा ब्याह रहा है क्या ले, नमस्ते मैडम। मैडम मेरा नाम है पम्मी, मैं हो रखी हूँ दूल्हे की मम्मी और सच्ची बता दूं मैडम, मैं तो खुशी के मारे ना पॉपकॉर्न हुए जा रही हूँ कतई शादी में डिस्को करूंगी और मैडम मैं हूँ वो दूल्हा जलने वाला है जिसकी किस्मत का चूल्हा। दूल्हा मीट चौकी का भूला। ओ बिल्लू, बिल्लू भी तो बोल सकते थे मैडम। हाय हाय। अब मैं भूलता नहीं हूँ मैडम, भूलने का मेरा हो गया इलाज। कल रात को तांत्रिक बाबा मेरी भूलने की बीमारी हमेशा के लिए अपने साथ लेके चले गए। हम क्या कह रहे हैं, हम आपके घर के कपड़े हम नहीं धोएंगे क्योंकि आपके घर के कपड़ों में सब्जी तेल के दाग लगे होते हैं, आप लोग खाना कम खाते हैं, खुद कपड़ों को ज़्यादा खिलाते हैं, हम आपके घर के कपड़े नहीं धोएंगे। हम बीबी जी कहने आए हैं कि हमारा हिसाब कर दीजिए आप, बस प्रदेश। जो हो गया है, तू इनके घर का धोबी हो गया था। अच्छा मैडम, हमें तो न्यू बता दो कि हमें पुलिस चौकी में क्यों बुलाया है। हाँ, हमारे इकलौते बेटे की शादी है, घर में मेरे जिम्मे 50 काम है, शादी में डिस्को करूंगी और मैं भंगड़ा करूंगा। मम्मी शर्मा लू क्या? ऐसा है अम्मा, तुम्हें यो बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारे कहने पे लड़की बालों ने 16 तारीख जो शादी की डेट फिक्स हुई है, 16 तारीख की खुराना लोन में बुकिंग करी थी शादी की, ठीक है? लेकिन ये बो खुराना पलट गया, उसने बुकिंग किसी और ने दे दी और ये बो लान अवेलेबल नहीं है। किसी और को दे दी बुकिंग? ऐसे कैसे दे दी मैडम, आलू मेथी है क्या? नहीं, वैसे कैसे दे दी और क्यों दे दी और कब दे दी और फिर कैसे होगा ना, इसका तो बातों का कोई रीजन है नहीं और मतलब है नहीं, क्योंकि बुकिंग तो गई, लान भी गया। इव अगर महाराज सजेशन मानो तो 16 तारीख का जो तुम्हारा मुहूर्त बैठा है उस पे बढ़िया अपना भगवान के सामने मंदिर में करो शादी, शुभ भी रहेगा। ना ना मैडम, मेरे इकलौते बेटे की शादी है रही है मैडम, मंदिर में ना ठीक रहेगी, बताओ हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। मैडम हाल ही में मेरी बिटिया की शादी हुई है, उसके भी ससुराल वाले आ रहे हैं, हमारी तो नाक कट जाएगी ना उनके सामने। अरे हमारी तो इज्जत का रायता फैल जाएगा मैडम, हम मंदिर में ना ब्याह कर सकेंगे मैडम, ना ना हमें माफ करो। वेल एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट्स प्लीज। मैं ये कह रहा था एक उपाय है, मैं जहाँ रहता हूँ ना पंजाबी मोहल्ला है, वहां पे एक पंजाबी कम्युनिटी हॉल है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। क्या बात कर रहे हो बे? तुम सचमुच वहां के चेयरमैन हो हैं? या मैं वहां का चेयरमैन हूँ, मैं वहां कुर्सी पे बैठता हूँ, मैं वहां बात कर लेता हूँ और आपको जगह मिल जाएगी, आप वहां शादी कर लो, स्यापा खत्म। कैसे रहेगा रे? ना मम्मी ना, मैं ना करूं कम्युनिटी हॉल में शादी, बिल्कुल भी ना करूं। What? मेरे ना सारे दोस्त आ रहे हैं, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ना करूं। वाह, किसी ने रिश्तेदारों की पढ़ी है कि रिश्तेदार के कहेंगे, किसी ने दोस्तों की यार लपाड़ों की पढ़ी है, लेकिन लड़की वालों की किसी को चिंता ना है जिनसे एक्चुअल रिश्ता बंधना है। वाह वाह। एक मिनट, हमारे पास एक बहुत बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास वाला आइडिया है। क्या है कि हमारी चौकी के पीछे जो है एक पूरा मैदान खाली पड़ा है, एकदम एम्प्टी। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ तंबू अम्बू गड़वा कर एकदम हन हना कर बहुत बढ़िया शादी हो जाएगी। है ऐसा कर लो। ना ना दोरोगा बाबू, आप तो रहने ही दो। अरे शादी की जगह ढूंढने की जिम्मेदारी लड़की वालों की है, जिसकी जिम्मेदारी वोई निभाए, जिसकी कचौड़ी वोई खाए, आप रहने दो बस। हाँ शादी में डिस्को करूंगी। हाय दैया मोरी मैया, अरे तेरी बुआ आ गई होगी घर, चल। नमस्ते मैडम, थैंक यू, शादी में डिस्को करूंगी, चल चल ना खड़ा खंबे की तरह। मार तू रे मम्मी।
ओ बिल्लू। वेल ब्रो, व्हाट इज द मैटर? इज द ऑन करो जनरेटर इज द भैया, क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही फटीचर बने रहेंगे? एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे फटीचर कहा? तो और मैं क्या कहूँ भैया आपको, धन्ना सेट। वेल भैया, आप फटीचर ही है। वेल लेकिन अगर मेरे दिमाग में जो आइडिया आया है ना भैया, उसमें आप मेरा साथ दे देना, तो हम दोनों के दोनों धन्ना सेठ बन सकते हैं। बट हाउ इज द हरियाणा में होते हैं ताऊ इज द? भैया शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों की लहर आई हुई है मार्केट में, एक भी मैरिज हॉल की बुकिंग नहीं मिल रही है। ऐसे में सोचिए, अगर चौकी के पीछे खाली पड़ी जमीन को हम लोग भाड़े पे दे दें तो कितना पैसा मिलेगा भैया हमें? सोचिए भैया सोचिए, पैसों की बरसात होगी। सोच रहे हैं कि नहीं भैया आप? मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि कमाई कितनी होगी, मैं ये सोच रहा हूँ जब मम्मी जी को पता चलेगा तो हमारी धुलाई कितनी होगी। कर दी ना भैया फिर आपने डोंकी वाली बात। Well. मैडम को तो मैं कैसे ना कैसे पटा लूंगा कोई बहाना मार के। मेन आप है भैया, आपकी परमिशन चाहिए, बस आप हाँ बोलिए भैया, क्योंकि आपकी इजाजत के बिना इस चौकी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या था? परिंदा था भैया। Well. पर मार गया। वो छोड़िए भैया, जाने दीजिए, आप क्या कहते हैं? कैरी ऑन। वाह बिल्लू वाह, मान गया तुझे यार, हमने चौकी के पिछले वाली जमीन आ जा उसके लिए शादी की बुकिंग भी ले ली और एडवांस भी। सुनो, ये बात किसी तीसरे के कान में नहीं जानी चाहिए, मुंह पे चेपी लगा लो दोनों। चेपी लगा रहा, कानों पे हाथ रख लिए। कौन सी बात है? कौन सी बात ना जानी चाहिए किसी और के कान में और चेपी लगा लो? अबे वो जो मेन चीज करने को बोली थी मैंने कि 16 तारीख को खुराना ने अपना मैरिज लोन किसको दिया है, किसकी बुकिंग करी है, वो पता लगाया तुमने? कि सिर्फ यो ही चल रहा है गॉसिपिंग, कि यो बात उसे ना बता देना और उसने मारे से यो बात कह दी, ओह वो चैटिंग में मारे से रूस गई, उसने उसको ये कह दिया, गॉसिप्स। क्या अले मिथिला, अपने आदमियों को क्या कह के वो टेम्पू से सामान उतरवाओ अपना, समझ में नहीं आ रहा, आठ आठ शादी को कौन तक लिए मैंने? करवा देंगे हाथ। चल हट। अब किसकी बारात नाचने जा रहे हो सामान लेके पूरा? मैडम हम लल्लू हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, शादी करवाते हैं हम। वो पीछे की जो खाली जमीन है ना उदल, हाँ उदल क्या है कि हमको तंबू लगाना है और हलवाई को बिठाना है। मैडम हम हैं मिश्रा हलवाई, हमको भी यही कहा गया है, चौकी के पीछे जो जमीन है ना वहीं पर अंगीठी खोदनी है, रसगुल्ला गरम है। भागो यहाँ से, कोई ना हो रही शादी वादी, काय की शादी? ठीक है। नहीं 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 मैडम, है अपने यहाँ शादी, जाओ ना यार, जाओ ये रास्ता, यहाँ से निकलो सीधे, चलो जाओ सीधे इस तरफ, यार पीछे हाँ निकल जाओ वहां से। शादी कर रहा है तू है? मन ने बताया भी नहीं, इनवाइट भी नहीं करा, किसकी शादी हो रही है, किसने करवाई? ओ जो चौकी के पीछे वाली जमीन है ना जी, वो हमने शादी के लिए दे दी है। किससे पूछ के? ओ मैडम असल में बात यह है कि एक बहुत ही पुराने रिटायर्ड हवलदार है, बसेश्वर राम जी, उनकी बेटी की शादी है और उन्हें कहीं भी बुकिंग नहीं मिली और उनके पास पैसे भी नहीं थे, वो मुझे बुढ़िया के बाल की दुकान में मिले थे। हाय तो मैडम मैंने उनसे हालचाल पूछा तो उनका रोना निकल गया, वो रो पड़े मैडम, फिर उन्होंने मुझे अपना दुखड़ा जब बताया ना तो मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया मैडम, तो मैंने कहा कि अगर भाई पुलिस ही पुलिस के काम नहीं आएगी तो फिर तो कैसे चलेगा, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए बसेश्वर राम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी चौकी के पीछे जमीन खाली पड़ी है, आप वहां पर टेंट लगवाइए और आपकी बेटी की शादी धूमधाम से करवाइए।
लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं मना कर देता हूँ उनको मैडम। ठीक है ठीक है ठीक है, करने दो उसको शादी अपनी बेटी। ये 16 तारीख का पता किया तुमने जो केस का है? इसने खुराना ने किसको दिया है मैरिज लोन? वो तो मॉम किसी मेहता ने ज्यादा पैसे देके ना और बुकिंग हथियाली है। मेहता? मैडम 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 क्या हो गया, घबराई हुई क्यों इतनी? मैडम लड़के वालों ने शादी तोड़ दी, अब मैं कैटरीना की तरह साड़ी कैसे पहनूंगी? और ये बात सुनकर मेरे पापा सदमे में आ गए। अरे अब मैं प्रियंका जैसी सैंडल्स कैसे पहनूंगी? ओए होए 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 होए। मैरिज लोन ना मिलने की वजह से लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। अगर 16 तारीख को खुराना मैरिज लोन में थारी शादी मैंने ना करवाई तो मारा नाम भी चंद्रमुखी चौटाला नहीं।